Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Flutter development course. And in this video, हम VS Code के some of the most amazing shortcuts के बारे में discuss करने वाले हैं जो एक Flutter developer को पता होने चाहिए. So you might wonder, मैं इतने late shortcuts क्यों बता रहा हूँ, हम course के starting में भी तो इन्हें cover कर सकते थे ना. Actually, इनमें से कुछ shortcuts की importance को जानने के लिए आपको थोड़े बहुत Flutter basics आने चाहिए थे, इसलिए मैं shortcuts अभी बता रहा हूँ. So जल्दी से start करते with shortcut number 1. सो जनरली अगर आप कोई भी डेवलपर हो, इट्स नॉट नेसेसरी Flutter डेवलपर हो, लाइन कॉपी करना एंड पेस्ट करना एक बहुत नॉर्मल ऑपरेशन है एंड उसके लिए VS Code में एक शॉर्टकट है कंट्रोल सी. नाउ यू विल से कि हमें पता है कंट्रोल सी से लाइन कॉपी होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू कॉपी दिस लाइन, मैं सिंपली माउस को ड्रैग कर सकता हूँ एंड सिंपली कंट्रोल सी प्रेस कर सकता हूँ एंड उसे नीचे भी पेस्ट कर सकता हूँ. सो यू विल से वॉट इज न्यू इन दिस. एक्चुअली आपको ऐसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं. इफ़ यू वॉन्ट टू कॉपी दैट लाइन, लेट से मुझे ये लाइन कॉपी करनी है, मैं जस्ट अगर उस लाइन में भी हूँ एंड अगर मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ फ्लटर के अंदर एंड अगर मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, वो सेम लाइन कॉपी हो जाती है. सो आपको ऐसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं. इफ़ यू आर इन दैट पर्टिकुलर लाइन, सिंपली प्रेस कंट्रोल सी एंड सिंपली प्रेस कंट्रोल वी एंड वो लाइन कॉपी हो जाएगी. After that, our next shortcut is deleting a line. So, अगर आपको line delete करनी, you will say हम line को simply ऐसे select कर सकते हैं and अगर मैं backspace भी press करूँगा तो line delete हो जाएगी. But what if I say कि आपको ऐसे selection करने की ज़रूरत नहीं है, आप simply उस line पे जा सकते हो जो आपको delete करनी है. अगर आप उस particular line में हो, simply press Ctrl Shift प्लस K एंड यू विल रियलाइज वो line delete हो जाती है. So, for now मैं से back करो Ctrl Z press करके. एंड अगर आपको मल्टीपल लाइंस भी डिलीट करनी है ना, आप सिंपली उन्हें ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो एंड कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस कर सकते हो तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज एडिटिंग मल्टीपल लाइंस. फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है, लेट्स से यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है एंड ये टेक्स्ट है, मैं इन तीनों को मॉडिफाई करना चाहता हूँ एट द सेम टाइम. सो मैं इन तीनों में कुछ कॉमन थिंग डालना चाहता हूँ. सो यू कैन सिंपली प्रेस ऑल्ट एंड जिस लाइन को आपको एडिट करना, सिंपली प्रेस क्लिक एंड अगेन अ क्लिक एंड अगेन अ क्लिक एंड यू विल सी जहाँ जहाँ पे कर्सर्स ब्लिंक हो रहे हैं वहाँ पे आप लाइंस को एडिट कर सकते हो. एक्चुअली यहाँ पे भी ब्लिंक हो रहा है, मैं यहाँ पे नहीं चाहता, तो अगर आप वापस क्लिक करोगे ना वो कर्सर ब्लिंकिंग हट जाएगी. नाउ यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो. सो जो भी चीज़ें आप लिखोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी. सो मल्टी लाइन एडिटिंग, सो आप ऐसे मल्टी लाइंस एडिट कर सकते हो. सिंपली प्रेस ऑल्ट एंड फिर रिस्पेक्टिव माउस क्लिक्स जहाँ जहाँ पे आपको एडिट करना है. Now moving to next one which is commenting lines. So let's say अगर आपको कुछ lines comment करनी है, for example मैंने यहाँ पे already कुछ lines comment करके रखी है, अगर मैं चाहता हूँ इसे uncomment करूँ, you can simply press control plus forward slash and you will see वो line uncomment हो जाती है. अगर मैं फिर से वो press करूँ तो वो comment हो जाएगी. let's say अगर मैं ये widget पूरी uncomment या comment करना चाहता हूँ, आप उसे select करके फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे तो वो कमेंट हो जाएगी एंड अगर फिर से प्रेस करोगे तो वो अनकमेंट हो जाएगी. सो ये भी काफ़ी हैंडी शॉर्टकट है. आपको सबके आगे ऐसे सिंपली इस टाइप से कमेंट्स के सिंबल्स नहीं डालने पड़ेंगे. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज ओपनिंग कमांड पैलेट. सो अगर आप फ्लटर पे वर्क कर रहे हो, अगर आपको फ्लटर की कुछ क्विक कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है, लाइक क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, लाइक रनिंग फ्लटर डॉक्टर, लाइक क्लीनिंग द प्रोजेक्ट, आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कर सकते हो एंड यू विल सी यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, कमांड पैलेट ओपन हो जाता है. आप यहाँ पे फ्लटर सर्च कर सकते हो एंड फ्लटर से रिलेटेड यहाँ इसके पास जितनी कमांड्स है वो सारी कमांड्स आपको दिखाएगा, लाइक अपग्रेडिंग द वर्जन ऑफ पैकेजेस, या उसके बाद अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है सो सिंपली सो आप कमांड पैलेट को यहाँ नीचे से भी ओपन कर सकते थे, बट आई प्रीफर यूजिंग शॉर्टकट्स. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस टिल्ड फॉर ओपनिंग द टर्मिनल. सो जनरली टर्मिनल ओपन करना या क्लोज करना एक बहुत नॉर्मल टास्क है. सो अगर आप कंट्रोल टिल्ड प्रेस करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा एंड अगर आप फिर से प्रेस करोगे जो भी आपका करंट टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा. एंड यहाँ पे इनके रिस्पेक्टिव शॉर्टकट्स भी है कि अगर आप इन चीज़ों को डायरेक्टली ओपन करना चाहते हो आप इनके शॉर्टकट्स प्रेस कर सकते हो. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज मूविंग लाइन और लाइन्स बिलो. सो लेट्स से अगर आपके पास ऐसा सीनेरियो आता है कि आप ये जो पूरा सेकेंड टेक्स्ट है वो यहाँ से यहाँ मूव करना चाहते हो, सो वन थिंग कैन बी आप इन्हें यहाँ से कॉपी करो या कंट्रोल एक्स करो एंड फिर उधर जाके पेस्ट कर दो. बट वॉट इफ आई टेल कि आप सिंपली शॉर्टकट्स का यूज़ करके भी इसे मूव कर सकते हो. सो जो भी टेक्स्ट आपको मूव करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो एंड सिंपली प्रेस ऑल्ट प्लस अप एरो उसे
ऊपर की तरफ मूव करने के लिए एंड यू विल सी टेक्स्ट मूव हो रहा है, मुझे जहाँ पे चाहिए था वो आ चुका है. एंड सिंपली प्रेस ऑल्ट प्लस डाउन एरो उसे नीचे की तरफ मूव करने के लिए. एंड अगर आपको एक सिंगल लाइन मूव करनी है आप वो भी कर सकते हो, सिंपली ऑल्ट प्लस जो भी आपकी लाइन आपको मूव करनी है उसके अंदर कर्सर रखो एंड आप उसे नीचे ऊपर मूव कर सकते हो. Now, the next one and one of the most necessary shortcut for a Flutter developer, refactoring widgets. So, अगर आपको ये widget remove करनी है या कोई नई widget add करनी है, so let's say मुझे यहाँ से padding remove करनी है, so you can simply press Ctrl Shift R and ये आपको बहुत सारे possible combinations देता है जो आप इस widget के साथ कर सकते हो. सो इफ़ यू क्लिक ऑन दिस रिमूव दिस विजेट यू विल सी पैडिंग रिमूव हो जाते हैं. अगर आपको किसी विजेट को किसी दूसरे से रैप भी करना है ना, सिंपली प्रेस कंट्रोल शिफ्ट आर एंड आपको यहाँ पे रैप विथ विजेट दिखाएगा. नहीं आपको बाय डिफॉल्ट कुछ विजेट्स भी दिखाई देगी, सो आप डायरेक्टली पैडिंग से रैप कर सकते हो. Now, moving to next shortcut, अगर आपका VS Code आपको ऐसी lines दिखाता है ब्लू कलर की एंड यू विल सी यहाँ पे क्विक फिक्स करके कुछ है, सो अगर आप इसे शॉर्टकट से करना चाहती हूँ यू कैन सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस डॉट. ये नेसेसरीली लाइंस के केस में दिखाए, अगर रेड लाइंस या एरर से फिर भी. सो अगर आप VS Code से सजेशंस लेना चाहते हो सिंपली यूज कंट्रोल प्लस डॉट एंड ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे कॉन्स डाल सकते हो. सो अप्लाई इट एंड वो ब्लू लाइन हट जाती है. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट सजेशन. सो फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता है स्कैफोल्ड में कौन कौन से विजेट्स या कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, सिंपली मूव टू दैट स्कैफोल्ड एंड प्रेस कंट्रोल प्लस स्पेस एंड यू विल सी यहाँ पे जितने अवेलेबल एट्रीब्यूट्स है आपको उन सब के बारे में बताया जाएगा. एंड नाउ द नेक्स्ट वन ओपनिंग दिस साइड पैनल. सो जनरली हमें इन पैनल्स की ज़रूरत होती है कभी ओपन करने के लिए कभी क्लोज करने के लिए. सो अगर आप एक फ्लटर ऐप रन करते हो ना ये पैनल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, सो यू नीड टू गो देयर एंड आपको इन्हें क्लोज करना पड़ता है. बट देयर इज अ शॉर्टकट टू ओपन एंड क्लोज देम, सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस बी एंड यू विल सी ये ओपन हो जाते हैं एंड इफ यू अगेन प्रेस ऑन इट ये क्लोज हो जाएंगे. एंड यहाँ पे उनके कुछ रिस्पेक्टिव शॉर्टकट्स भी है बट आई प्रीफर यूजिंग कंट्रोल प्लस बी to open it and to close it. And now the next one, renaming a widget or a variable or anything in VS Code. So अगर आपको किसी भी चीज़ को rename करना चाहे वो file हो चाहे वो widget हो चाहे वो variable हो, simply use F2. For example, अगर ये जो my app है मुझे इसे rename करना है, so मुझे यहाँ पे भी changes करने पड़ेगी, यहाँ पे भी करने पड़ेगी, यहाँ पे भी, and maybe मैंने इसे किसी और class में भी use किया हो या file में भी use किया हो, so मुझे वहाँ पे भी changes करने पड़ेंगे. अगर आप चाहते हो ये सारे changes एक बार में हो जाए, simply press F2 on it एंड यू विल सी यहाँ पे रीनेम का सजेशन आ रहा है. सो यू कैन सिंपली एंटर जो भी आपको न्यू नेम चाहिए एंड अगर आप एंटर हिट करोगे तो सारे नेम्स चेंज हो जाएगी. बट यहाँ पे एक चीज़ और है, आप शिफ्ट एंटर प्रेस करके प्रीव्यू कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये चेंजेस करने वाला है जिससे आप श्योर हो कि यहाँ यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए. एंड आप चाहते हो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे सो हर जगह पे न्यू नेम आ जाएगा. नाउ अगर आप इस पे फिर से क्लिक करोगे F2, लेट्स से मुझे ओल्ड नेम चाहिए, सो इट सिंपली लाइक दिस एंड वो ओल्ड नेम में आ जाएगा. सो जब भी आपको फ्यूचर में कोई वेरिएबल या क्लास को रीनेम करना हो जस्ट डोंट गो मैनुअली टू रीनेम इट, आप इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट सिंपल वन, प्रेसिंग F5 टू रन आर एप्लीकेशन. सो आप सिंपली F5 प्रेस कर सकते हो एप्लीकेशन को रन करने के लिए एंड एज आई सेड यू विल सी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है. सो सिंपली कंट्रोल बी टू क्लोज इट एंड सिंपली कंट्रोल प्लस टिल्ड टू क्लोज दिस टर्मिनल. एंड नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट जिसका हमने इस कोर्स में काफ़ी यूज़ किया है विच इज़ कंट्रोल प्लस सेव. सो जब आप कंट्रोल प्लस सेव प्रेस करते हो आपकी फाइल के अंदर आपने जो चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट होते हैं एज वेल एज आपका कोड प्रॉपरली फॉर्मेट होता है एज वेल एज आपकी फाइल सेव भी हो जाती है. सो इट इज़ वन शॉर्टकट दैट आई यूज़ वेरी कॉमनली. अगर आप चाहते हो यहाँ पे हॉट रिलोड भी यूज़ कर सकते थे बट इन सब के कुछ अलग अलग शॉर्टकट्स है, यू कैन रेफर देम. And now another handy shortcut. For example, अगर मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे ये मल्टी लिखा हुआ है वहाँ से मैं ये हटा दूँ, so one thing can be मैं हर जगह पे जाऊँ and उसे remove करते रहूँ. But what if I want कि ये task में थोड़ा जल्दी कर लूँ, so you can simply press Ctrl plus F. You will see यहाँ पे कुछ find का option आता है and यहाँ आप वो keyword search कर सकते हो जो आपको remove करना है. सो मैं मल्टी लिख रहा हूँ and it will show me ये तीन जगह पे है एंड यहाँ पे एक एरो है. अगर आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको इसे किससे रिप्लेस करना है. सो फॉर नाउ लेट्स से मैं इसे मैनी से रिप्लेस कर रहा हूँ एंड अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना रिप्लेस ऑल पे, जहाँ जहाँ पे मल्टी लिखा है वहाँ पे मैनी हो चुका है. सो ये शॉर्टकट भी मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ.
नाउ विद दिस हमने 15 डिफरेंट शॉर्टकट्स कवर किए VS कोड के, जिससे हमारी एडिटिंग सिंपल हो सकती है. बट एक्चुअली मेरा एक और फेवरेट शॉर्टकट है जिसका मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, जो है Alt+D. सो अगर मैं इस लाइन पे आके Alt+D प्रेस करता हूँ, ये लाइन नीचे कॉपी हो जाती है. मैं इसे कितनी भी बार कॉपी कर सकता हूँ सिंपली Alt+D प्रेस करके. और अगर मुझे मल्टीपल विजेट्स या किसी चीज़ को नीचे कॉपी करना होता है, मैं सिंपली उसे सिलेक्ट करता हूँ एंड Alt+D प्रेस करता हूँ एंड सिंपली वो सारी विजेट्स या वो सारी थिंग्स नीचे कॉपी हो जाती है. मगर अगर आप अपने VS कोड में Alt+D प्रेस करोगे ना, ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. नाउ क्यों? बिकॉज ये मेरा कस्टम शॉर्टकट है. आप मैनेज पे क्लिक कर सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आप मूव कर सकते हो एंड यहाँ पे होगा कुछ कॉपी लाइन डाउन. एंड यहाँ पे मैंने एक की बाइंडिंग रखी है खुद की, जहाँ जहाँ पे डिफॉल्ट है, विच मीन्स वो ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड है, बट मैंने यहाँ पे खुद की बाइंडिंग यूज़ की है बिकॉज इट्स वेरी हैंडी शॉर्टकट. सो आप इस पर क्लिक करके उसे मॉडिफाई कर सकते हो. सिंपली प्रेस Alt+D साइमल्टेनियसली एंड यू विल सी वो की बाइंडिंग यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी एंड ये बोलेगा कि वो ऑलरेडी यूज हो रही है, बट दैट्स ऑल राइट. ओके, वो उसे ओवरराइड कर देगा. नाउ इस तरह से आप कोई भी शॉर्टकट को कस्टमाइज कर सकते हो. एंड यहाँ पे VS कोड के बहुत शॉर्टकट्स है, देर आर ओके, इन्हें काउंट करना वेस्ट है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल शॉर्टकट्स है. सो यू कैन चेक देम आउट एंड आपको जो अच्छे लगे या जो आपको ज़्यादा यूज होते हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हो. So that's it for this video. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.